नमस्कार, व शुभकरण सहायक आचार्य EFM श्री राधेश्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत यूनिट संख्या सेकंड सर्वव्यापिक बैंकिंग ई बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग जिसे यूनिवर्सल बैंकिंग भी कहते हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपके टिप्पणी के रूप में लगभग 4 पॉइंट्स पूछते हैं कि ई बैंकिंग क्या है, मोबाइल बैंकिंग क्या है, क्रेडिट कार्ड्स क्या हैं, डेबिट कार्ड क्या हैं और इंटरनेट बैंकिंग क्या है, एनीवेयर बैंकिंग क्या है, तो उनसे संबंधित आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लेते हैं। कई बार एग्ज़ाम में पूछते हैं कि ई बैंकिंग क्या है, ई बैंकिंग की क्या क्षेत्र और क्या महत्व है। जैसा कि आप जानते भी हैं, आज का युग इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट के माध्यम से बैंक ग्राहक को विभिन्न प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं घर बैठे ही, तो उसी कंटेंट में हम अध्ययन करेंगे ई बैंकिंग। ई का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से है। तो इस प्रकार भारत में उदारीकरण के बाद में आर्थिक विकास के क्षेत्र में बैंकिंग में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, जो कि 2G 3G 4G और 5G तक जो अपनी जनरेशन है उनमें काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, आगे भी ऐसे ही परिवर्तन होते रहेंगे। तो इसी क्रम में हम सर्वव्यापिक बैंकिंग में हम बात करेंगे पहले ई बैंकिंग की। कि ई बैंकिंग क्या है, ई बैंकिंग जैसे ई का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट बैंकिंग से है, क्योंकि यहाँ पर ई बैंकिंग से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से लगाया जाता है, जो कि एक बैंकिंग उद्योग में व्यवसाय के समान अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंक अपना व्यवसाय करके ग्राहकों को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, जिसके माध्यम से ग्राहक संतुष्ट होकर मूलभूत सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ई बैंकिंग एक महत्वपूर्ण बैंकिंग है, जिसके माध्यम से इसे अपन ऑनलाइन बैंकिंग या वास्तविक बैंकिंग भी कह सकते हैं। इसको अपन ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं या वास्तविक बैंकिंग भी। वास्तविक बैंकिंग भी कह सकते हैं, जो घर बैठे ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हैं, की जा सकती हैं। ई बैंकिंग इसमें विभिन्न प्रकार की सूचना औद्योगिक पर आधारित संरचना का प्रयोग करते हुए नवीन साज सज्जा का समाधान का उपयोग किया जाता है और विभिन्न भुगतानों का आसानी से उपयोग या आसानी से उनका समाधान किया जाता है ई बैंकिंग के माध्यम से, जो अपने बैंक को उपलब्ध ये करवाते हैं। वास्तविक बैंक की हम बात करें तो ऐसी बैंकिंग सुविधा से हैं जिसमें ग्राहक प्रत्यक्ष रूप से बैंक कार्यालय के बिना ही सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर बैंकिंग सेवाएँ प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार बैंकिंग ई बैंकिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। तो इसमें ई बैंकिंग की सेवाएं कौन कौन सी हैं जो कि सामान्यतः प्रत्येक कस्टमर बैंक के माध्यम से इनकी सेवाओं का आनंद लेता है, जिसमें प्रथम है ATM, आप अच्छे से जानते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। 24 घंटे के अंतर आप कभी भी जाकर के इन ATM के माध्यम से पैसा आप निकाल सकते हैं और जमा करा सकते हैं, तो ये भी एक ई बैंकिंग की सेवाओं में सम्मिलित है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड, विभिन्न प्रकार के कार्ड उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड की सुविधा दी जाती है। क्रेडिट कार्ड व्यक्ति की साख के आधार पर उनको उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण रूप से ई बैंकिंग की सेवाओं में शामिल। डेबिट कार्ड
एटीएम का रूप ही होता है, जिसे हम डेबिट कार्ड भी कहते हैं, स्मार्ट कार्ड भी सेवाओं में सम्मिलित हैं। अगले हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र भी अपन ई बैंकिंग की सेवाओं में सम्मिलित करते हैं, जो कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो और भी विभिन्न प्रकार की बैंकिंग है, जिसमें मोबाइल बैंकिंग, भी सम्मिलित है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल के माध्यम से विभिन्न ऐप बैंक उपलब्ध करवाती हैं, जिसमें गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और भी विभिन्न हैं बैंकों के ऐप, जिसके माध्यम से हम आसानी से घर बैठे ही बैंक के कार्य, अपने घर में होने वाली मूलभूत सेवाओं का अपन घर बैठे ही भुगतान कर सकते हैं, जो किसी प्रकार का बिल हो जो उनको मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग भी बैंक उपलब्ध कराती है, जो कि खाते के माध्यम से आप घर बैठे ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये भी हैं ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफ़र। तो ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो कि ई बैंकिंग में आती हैं। अब हम चर्चा करें कि ई बैंकिंग का क्या महत्व है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का, ई बैंकिंग का क्षेत्र एवं महत्व है। ई बैंकिंग का क्षेत्र एवं महत्व, स्कोप ऑफ ई बैंकिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ई बैंकिंग, बात एक ही है, इसका क्या महत्व है। जैसा कि घर बैठे ही आप आसानी से कोई भी लेन देन कर सकते हैं, जिसमें समय की आपको बचत होती है, एक तो ये इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको अनावश्यक बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती, बैंक में विभिन्न अपने को आने जाने में समस्याएं जो होती हैं, समय की बचत होती है, ये भी एक इसका इम्पोर्टेंस है। और भी विभिन्न प्रकार की है जिसमें आप घर बैठे ही सुविधाएँ। तो इसकी अपने इम्पोर्टेंस की बात करें तो एक तो बैंकिंग सेवाओं के परिचालन लागत है, उसमें कमी आती है। एक तो परिचालन लागतों में कमी, एक तो ये इसका सर्वप्रथम इसका एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि परिचालन लागत वे लागतें होती हैं जो भी किसी बैंकिंग बैंक की स्थापना या फिर हम जो भी कार्य करते हैं तो उनमें अपने कॉस्ट लगती है, तो इसमें कमी आती है, क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटी से ये अपने को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध, एक घर बैठे ही सेवाएं उपलब्ध हो जाती है। एक ये भी एक महत्व है, घर बैठे ही सेवा उपलब्ध। आप नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से घर बैठे ही विभिन्न प्रकार के कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी एक ई बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण महत्व है। तो इसी प्रकार डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप धनराशि इससे धन निकाल के अपनी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करें। तो अपना एटीएम या क्रेडिट कार्ड की मूल सुविधा होने से अपन आसानी से धन का आदान प्रदान आसानी से अपन कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये भी है कि एक खाते या फिर अपने खाते से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जिससे आपको कोई समस्याएं नहीं आएंगी। ये भी एक ई बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण महत्व है या इसकी क्षेत्र में सम्मिलित है। और भी विभिन्न प्रकार के हैं, मुद्रा का भौतिक लेन देन नहीं हो पाता है, ऑनलाइन ही लेन देन हो पाता है, क्योंकि भौतिक फिजिकल रूप से अपनी मुद्रा नहीं होती है। तो भौतिक मुद्रा का भौतिक लेन देन नहीं होना, मुद्रा का भौतिक लेन देन नहीं, मुद्रा का भौतिक लेन देन इसमें नहीं होता है, ये भी एक इसमें ई बैंकिंग के सेवाओं में सम्मिलित है। तो इस प्रकार ग्राहकों को भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध की जाती है नेट बैंकिंग के माध्यम से, जिसे आसानी से आप है, और एक पेपरलेस है अपने कागजी जो प्रक्रिया है उससे भी अपने को इसमें मुक्ति मिलती है। जो कागजी पत्र है उनसे हमें क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है, क्योंकि बैंक में अनावश्यक लेन देन
जब हम बैंक से लेन देन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के कागज पत्रों की आवश्यकता होती है, तो इस बैंकिंग, इस इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग के माध्यम से हमें इनसे भी मुक्ति मिलती है। तो ये भी ई बैंकिंग का एक महत्व है। और भी विभिन्न प्रकार के इम्पोर्टेंस हैं जिसमें हम बात करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स की सुविधाओं की ये भी बता दिया। इंटरनेट के माध्यम से भी अपन एक छोटा व्यवसाय भी कर सकते हैं, एक व्यवसायिक या व्यवसाय के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक गतिविधियों के लिए भी इंटरनेट बैंकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यवसाय गतिविधियाँ छोटे व्यापारी के लिए अपन आसानी से विभिन्न प्रकार के लेन देन आप वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है ई बैंकिंग का, जो कि आप घर बैठे ही है। इसमें ग्राहक का जो पैसा है 7 घंटे से 24 घंटे तक अपन फंड ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई कमी रहती है तो वो 24 घंटे के अंतर्गत समायोजित भी हो जाता है। तो इस प्रकार ई बैंकिंग की ये महत्वपूर्ण रूप से थी, जो कि ग्राहकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध यहां पर करवाने से हैं। तो ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग मुख्यतया अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं, और जिससे बैंकिंग लेन देन या बैंकिंग क्रियाएँ आप घर बैठे ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके एग्ज़ाम में भी इनसे संबंधित प्रश्न एक टिप्पणी के रूप में पूछता है, जिसमें कई बार पूछ लेता है कि मोबाइल बैंकिंग क्या है, इंटरनेट बैंकिंग क्या है, एटीएम क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड के क्या लाभ हैं, डेबिट कार्ड क्या है, एटीएम क्या है। तो विभिन्न प्रकार के हैं, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग, एनीवेयर बैंकिंग क्या है। तो ये विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं इसमें सम्मिलित हैं, जो कि यूनिवर्सल बैंकिंग में है, जो कि ग्राहकों को मुख्यतया विभिन्न सुविधाएं घर बैठे ही उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे वह अपने दैनिक कार्यों में बाधित न होके आसानी से कम समय में सभी कार्य आसानी से निष्पादित कर सकता है। तो ये यूनिवर्सल बैंकिंग या सर्वव्यापी बैंकिंग में आती है। तो यूनिवर्सल बैंकिंग मुख्यतया आपके व्यवहारिक जीवन में आने वाली चीज़ें या व्यवहारिक जीवन में अपने काम आती हैं। तो इन सब बातों से आप अच्छे से परिचित भी हैं कि ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग क्या है। परंतु हम बात करें यहाँ पर यूनिवर्सल बैंकिंग की, इसकी काफ़ी कमियाँ भी हैं। इसमें क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से होने वाले लेन देन जब हम करते हैं, तो आपने देखा होगा साइबर क्राइम वर्तमान समय में बढ़ रहा है। फंड एक स्थान से दूसरे स्थान से हम जब ट्रांसफ़र करते हैं तो अपने खाते को हैंग या उसको रोक लेते हैं, जिससे अपने अकाउंट से पैसे भी निकलते हैं। कई बार आप समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी पढ़ते हैं। तो इन बैंकिंग सेवाओं का जब आप लाभ लें, इन बैंकिंग सेवाओं का आप आनंद लें, तो नियमानुसार अपने जो OTP है, वन टाइम पासवर्ड की हम जब जैसे बात करें हैं, क्योंकि कोई भी लेन देन करते समय मूलभूत सुविधाएं, चाहे मोबाइल बैंकिंग हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, तो आपके मोबाइल में OTP ज़रूर आता है। तो वो बैंक से संबंधित जो OTP है वो अपन किसी को न बताएं, जो कि अपन व्यवहारिक खुद अपने प्रयोग में लेते हैं, खुद हम जो इन कार्यों से हम निवृत्त होते हैं, जिससे हम इनको संपादित कर सकें। तो इन बातों को हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिससे हैं साइबर क्राइम से बचा जा सके। तो इस प्रकार ई बैंकिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन करते हैं। तो हम व्यवहारिक जीवन में ई बैंकिंग जब प्रयोग में लेवें, मोबाइल बैंकिंग हो, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे और भी मूलभूत सुविधाएं हैं, तो उनको हम बड़ी सावधानी चतुरता से काम में लेवें। तो ये ही आज हम सर्वव्यापी बैंकिंग के बारे में पढ़ें। अगले वीडियो में हम इसी से संबंधित अध्ययन करेंगे, विभिन्न संक्षिप्त टिप्पणियों की, जिसमें ई बैंकिंग क्या है, पुनः है, इंटरनेट बैंकिंग क्या है, मोबाइल बैंकिंग क्या है, एनीवेयर बैंकिंग क्या है, एटीएम क्या है,
क्रेडिट कार्ड क्या है, उनका अध्ययन करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।